हे गाइस, दिस इज एकोनिकास। आप जानते हो मैं हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोवाइडिंग ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ इस चैनल में। तो गाइस, आज भी मैं एक ट्यूटोरियल ले आया। तो गाइस, आज मैं दिखाऊंगा कैसे ब्लैक स्मोक प्रोवाइडिंग करते हैं पिक्सआर्ट और लाइटरूम की हेल्प से। तो गाइस, उसके लिए जो जो पीएनजी और बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से डाउनलोड करना। तो गाइस, आज मैं सिर्फ इस टाइप का एक प्रोवाइडिंग करके दिखाऊंगा। देखो कितना रियलिस्टिक, काफ़ी अच्छी फोटो लग रहा है। तो ये फोटो पिक्सआर्ट और लाइटरूम की हेल्प से मैं बनाया। तो अभी मैं एडिट किया तो ऐसा फोटो हो गया, तो बिफोर ऐसा था। तो देखो फ्रेंड्स, कितना बुरा लग रहा है, काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो कई फोटो काफ़ी अच्छा लगेगा लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद। तो देखो फ्रेंड, लाइट रूम के अंदर कैसे फोटो एडिट किया मैं, बहुत अच्छी फोटो है। तो लाइट रूम का उसके लिए फुल देखो। और गैस, मैं इंस्टाग्राम का अभी तक फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। ओके, और गैस सिंपली आपके पास जो पिक्सआर्ट है तो उस पिक्सआर्ट के अंदर एक ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लो। ओके, तो करने के बाद इसके ऊपर फिर हमारा एक पीएनजी और एक मॉडल ऐड करना होगा। तो गैस, इस पीएनजी को साइड में रख देना होगा। सबसे पहले रख देने के बाद फिर इस मॉडल को हमारा ठीक ठाक से सेट करना होगा। तो गैस, कैसे सेट करते हैं आप देख लो, इस वीडियो को फुल देखो। इस वीडियो को फुल नहीं देखो तो कैसे मैं एडिट करूँगा सब आप नहीं जान पाओगे। तो गैस, इरेजर में जाने के हार्ड डिस्क को कमा के और साइज को बढ़ा के फ्रेंड्स नीचे इरेज कर दो। इरेज करने के बाद फ्रेंड्स, इसका इस मॉडल को हमारा लेना होगा इफेक्ट ऑप्शन में। लेने के बाद इफेक्ट जो ऑप्शन है तो उसका अंदर जो बी एंड डब्ल्यू ब्लैक एंड वाइट जो ऑप्शन है तो उसको चूज करना होगा हमारा। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा इस इफेक्ट हमारा टी शर्ट में पड़ना चाहिए, सिर्फ टी शर्ट के अंदर ही पड़ना चाहिए। तो इरेजर में जाके फ्रेंड्स आप ब्रश कर दो। तो इसके बाद फ्रेंड्स, इस पीएनजी को, इस सर्कल पीएनजी को हमारा पीछे लगाना होगा। तो इसके लिए इसका ब्लेंड को कर देना स्क्रीन, करने के बाद इसको ठीक ठीक सेट करके हमारा मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। तो ऐसा फोटो देखो फ्रेंड्स, हमारा मॉडल के पीछे हमारा सर्कल पड़ गया। तो सिंपली कर देना डन। डन करने के बाद हमारा और एक पीएनजी ऐड करना होगा, स्मोक पीएनजी ऐड करना होगा। तो गाइस, जो जो पीएनजी मैं यूज करूँगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से डाउनलोड करना। तो गाइस, एक स्मोक पीएनजी हमारा दो बार लेना होगा और एक स्मोक पीएनजी हमारा एक बार लेना होगा। तो गाइस, इस पीएनजी हमारा एक बार लिया, तो इसको हमारा नीचे लगा दो। ऐसा लगेगा फ्रेंड्स, हमारा बॉडी से स्मोक निकल रहा है, हमारा बॉडी से स्मोक बाहर निकल रहा है। तो गाइस, इसके एपर्चर का कमा दो तो बहुत ही अच्छे लगे। और इसको यहाँ से लगा दो, ऐसा लगेगा हमारा साइड से स्मोक आ रहा है इस हमारा बॉडी के ऊपर। तो गाइस, इसका सेम साइज में इरेजर में जाने के बाद हार्डनेस को कमा के साइज़ को बढ़ा के फिर हल्के हल्के से इरेज कर दो और इसको एकदम उल्टा कर लो। उल्टा करने के बाद इसको भी सेम साइज़ में रख देना और इसको भी सेम साइज़ पे सेम तरीके से इरेज कर देना। हार्डनेस को कम करके साइज़ को बढ़ा के सेम तरीके से इरेज कर देना। ओके, इरेज करने के बाद फिर डन कर देना। डन करने के बाद फिर हमारा देखो फिर एकदम सेट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो डन कर देना। डन करने के बाद और एक ऐड करना होगा। तो गाइस, हमारा एक लाइट पेंज ऐड करना होगा। इस लाइट पेंजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आराम से डाउनलोड करना। तो गाइस, इसका सेजन को एकदम जीरो करना होगा हमारा, माइनस हंड्रेड करना है एडजस्ट रमक जाके और इसका ब्लेंड को कर देना स्किन। करने के बाद फिर इसको बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद ऊपर लगाओ, ऐसा लगेगा हमारा ऊपर से हल्के हल्के से लाइट आ रहा है। तो देखो फिर फोटो कितना अच्छे लग रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये फोटो हमारा ड्रॉ के अंदर जाके मोबाइल पर सेव करना होगा, ऐसे कि हमारा पिक्सआर्ट के अंदर काम ऑलरेडी खत्म है। तो ये फोटो हमारा सिंपली लेना होगा लाइट रूम के अंदर। तो गाइस, लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं और सिलेक्ट और हीलिंग टूल्स कैसे आउट करते हैं उसके लिए अलग एक वीडियो मैं बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाके देख लेना। ओके, तो गाइस, लाइट रूम के अंदर मैं फोटो ओपन कर लिया ऑलरेडी, आप भी ओपन कर लो। करने के बाद फ्रेंड्स, मैं रोटेट कर लूँगा आपका देखने के अच्छे के लिए। मैं रोटेट ऑलरेडी कर लिया। तो गाइस, सिंपली हमारा जाना होगा ब्राइट में, एक्सपोजर को हल्के से बढ़ा देना होगा, कंस्ट्रक्ट को हल्के से बढ़ाऊँगा ऐसा कि एकदम फोटो की एकदम एच डी लुक आ जाए। और हाइलाइट्स हमारा नीचे हाइलाइट्स को करना होगा, शेडो को हल्के हल्के से चाहिए तो शेडो को हल्के से बढ़ाना होगा। और ब्लैक को हमारा कुछ नहीं चाहिए तो ब्लैक को कमा देना, और व्हाइट चाहिए थोड़ा सा तो व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट भी नहीं चाहिए तो व्हाइट को भी कमा देना।
तो इसको तो हमारा जाना होगा कलर में, कलर में जाने के बाद वाइब्रेंस को हल्के से कमा दूंगा, ऐसे कि हमारा फोटो एकदम ऑरिजिनल दिखने लगे। इसके बाद जाना होगा मिक्स पे, मिक्स पे जाने के बाद हमारा रेड ऑप्शन चूज करना होगा। तो रेड ऑप्शन हमारा लिप की कलर है, लिप की कलर है, तो लिप को तो ह्यू को हल्के से कमा देना, लुमिनेंस को बढ़ा देना और सैचुरेशन को कमा देना ताकि एकदम अच्छी लगे। इसके बाद हमारा ऑरेंज कलर चूज करना होगा। तो पहले येलो को ह्यू को एकदम माइनस अंडर कर दो, ऐसे कि हमारा जो येलो कलर है तो उसका ऑरेंज कलर जैसा हो जाए, और ऑरेंज कलर चूज करके फ्रेंड्स लुमिनेंस को बढ़ा दो, ऐसे कि हमारा ऑरेंज कलर हमारा फेस के कलर है तो लुमिनेंस को बढ़ाओ तो हमारा फेस की ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो लुमिनेंस कलर से बढ़ा दो, सीजन कलर से कमा दो, ह्यू कलर से कमा दो ऑरेंज का। तो इसके ऊपर कुछ नहीं और कोई इफेक्ट नहीं है। तो ब्लू कलर हमारा चश्मे के कलर है, तो सनग्लास के कलर है तो मैं चेंज कर लिया। तो इसके बाद जानोगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद डेज ऑप्शन हमारा फोटो के ऊपर बहुत ही अच्छे लुक डालते हैं आप जानते हो, तो सभी फोटो पे नहीं डालते हैं तो कुछ कुछ फोटो पे डालते हैं। तो इस फोटो पे डेज ऑप्शन हमारा चाहिए तो डेज ऑप्शन को बढ़ा दो। तो बिगनोट का हमारा इस कमाना नहीं कमाना, तो सब फोटो में बढ़ा देता हूँ, तो बिगनोट को हल्के से बढ़ा देना और क्लैरिटी को हल्के से कमा देना। तो इसके बाद जानोगे डिटेल्स में, डिटेल्स में जाने के बाद शार्पनिंग को हल्के से बढ़ाऊंगा, नॉइस रिडक्शन को बढ़ाऊंगा और कलरनेस को बढ़ाऊंगा। जो हमारा फोटो के ऊपर नॉइस था सब रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जानोगे कलर में, कलर में जाने के बाद फिर ऑरेंज का सीजन कलर कैसे कमाऊंगा। तो देखो मैं फोटो बिफोर कैसे था प्रीसेट के अंदर, तो लाइट रूम के अंदर एडिट किया, एडिट करने के बाद कैसे हुआ। तो देखो फिर बहुत अच्छी फोटो इमेज है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा।